दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास दो अलग अलग फोटो है और ये दो अलग अलग फोटोज को हम एक साथ ज्वाइंट करके आपको दिखाएंगे फोटोशॉप से। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एक एक स्टेप आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से आप किसी भी ज्वाइंट फोटो को यानी कि किसी भी अलग अलग फोटो को एक साथ ज्वाइंट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास ये दो फोटो है, इस दो फोटो को अपने इस फोटोशॉप में हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने का क्या तरीका है हम आपको बताते हैं। ये हमारे पास जो फोटो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये दो फोटो को कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अपने फोटोशॉप में इस तरीके से पकड़ के छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा दोनों फोटो ओपन हो गया है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ओपन करने का मैंने आपको आसान तरीका बता दिया कैसे आपको फोटो ओपन करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइंट फोटो का साइज लेना है, ठीक है। इसका साइज लेने के लिए सबसे पहले आपको इमेज फाइल में चले जाना है और न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो विडिट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंच का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे इंच का ऑप्शन कर लेना है। अब चौड़ाई यानी विडिट का मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई आपको 1.8 ले लेना है और हाइट आपको 1.3 ले लेना है। रेजुलेशन में आपको 300 रख लेना है। उसके बाद यहाँ से RGB में RGB कर लेना है और कंटेंट्स वाइट कर लेना है। और यहाँ पे नाम में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि ज्वाइंट फोटो हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद ओके कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक साइज हमारा आ चुका है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला जो फोटो है इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। जैसे कि कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और कंट्रोल W प्रेस करेंगे, ये यहाँ से बंद हो गया फोटो, मतलब क्लोज हो गया। अब इस वाला जो ये साइज जो हमने लिया हुआ है इस साइज पे आ करके आपको कंट्रोल भी प्रेस करना है। कंट्रोल भी करने के बाद कुछ इस प्रकार से फोटोज आपका बड़ा या छोटा साइज में दिख जाएगा। उसके बाद आपको साथ ही कंट्रोल T प्रेस करना है। कंट्रोल T जब आप प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये तीन चारों तरीका से यहाँ पे ये एक सिलेक्शन बना लेगा। उसके बाद आपको शिफ्ट को प्रेस करके रखना है बटन कीबोर्ड में, और उसके बाद यहाँ पर जब आप आएंगे तो कुछ इस प्रकार से तीर का निशान आएगा, शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से इसे छोटा कर लेना और इसे यहाँ पे साइड में सेंटर में रख देना है। इतना हो गया। अब इस वाले फोटो को भी वही करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल W, कंट्रोल को दबा के कंट्रोल सी कंट्रोल W इस तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पे ला करके कंट्रोल भी करेंगे, इस पे पेस्ट कर देंगे और सेम वही प्रोसेस कंट्रोल टी करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और किसी एक कोने से इसे छोटा कर लेंगे। उसके बाद इसे इस प्रकार से रख देंगे और उसके बाद मूव टूल में जाएंगे और यहाँ पे ये वाला टूल सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर वाला, उसको हम मूव टूल कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको अब हम इधर उधर कर सकते हैं। अगर ये इस तरीके से पकड़ नहीं पा रहे हैं आप तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इस मूव टूल में सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लेयर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ इस प्रकार से इधर साइड में आप इसे रख सकते हैं, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पे एक साइज में दोनों फोटो को कर देंगे, कंट्रोल टी दबा के शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से एक साइज में कर देंगे। अब ये दोनों का बैकग्राउंड सेम है तो इसको हम सिर्फ एक बैकग्राउंड में मिलाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैजिक वैंड टूल ऑप्शन आपको दिख रहा है टूल्स बार में, मैजिक वैंड टूल ले लेना है और इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको सेलेक्ट होने के बाद डिलीट बटन दबाएंगे, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डिलीट होने के बाद राइट क्लिक करेंगे और डी सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब बच गया ये वाला फोटो, तो इसके बाद यहाँ पे मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से टूल्स बार में और इस फोटो पे क्लिक कर देंगे, अब ये सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ से मैजिक वैंड टूल ले लेंगे और फिर इसके बैकग्राउंड पे यहाँ पे रख देंगे, क्लिक कर देंगे, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसे भी सिलेक्ट होने के बाद डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पे ये भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट करेंगे, ये दोनों सिलेक्शन हट गया। अब इसको आसानी से हम इस प्रकार से कंट्रोल टी दबाएंगे और कुछ इस प्रकार से इसे सेलेक्ट करके छोटा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये हमारा साइज एक्चुअल बन जाए। ये हो गया। अब इतना होने के बाद इसका बैकग्राउंड अगर हम देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड देने के लिए सिंपल आपको विंडो में चले जाएंगे और यहाँ पे लेयर पे चले जाएंगे। लेयर ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सॉलिड कलर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सॉरी दोस्तों ये गलती हो गया मैंने बताने हुए। इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे
देख सकते हो यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर है, इसको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे इस पे, या लेयर वन लेयर टू इस पे क्लिक नहीं रखना, ये बैकग्राउंड पे क्लिक रखना। उसके बाद आपको नीचे पे एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक करना है और सॉलिड कलर पे आपको क्लिक कर देना है। अब सॉलिड कलर पे क्लिक करने के बाद कुछ देख सकते हो, कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड आपका चेंज हो गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड ले लेना है, जैसे कि फिलहाल मुझे जो भी बैकग्राउंड पसंद हो मैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसी बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं, और उसे उसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया। यहाँ लेयर पैनल में आप देखेंगे ये हमारा बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है। ठीक है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेना है। और अभी ये आपका साइज बन चुका है, ये साइज आपका बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ मैं, और कंट्रोल एम प्रेस करेंगे कुछ इस प्रकार से फोटो में हम लाइट वगैरह डाल सकता हूँ। ठीक है, इस फोटो में भी लाइट वगैरह हम थोड़ा सा दोनों में लगा देता हूँ कि हमारा हो गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए जब यहाँ पे देख सकते हो कि ये चार पांच लेयर हो गया है, बैकग्राउंड ये सब चीजें लेयर हो गया है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको लेयर में जाके इसे फ्लैटन इमेज पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा। एक लेयर बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको विंडो में चले जाना है और यहाँ पे एक्शंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक्शन ऑप्शन क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से खुलेगा। और यहाँ पे ये ज्वाइंट फोटो पासपोर्ट साइज ज्वाइंट फोटो जो ऑप्शन हमने दिया हुआ है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको ये डबल कॉपी बन जाएगा। उसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से छोटा कर लेना, और ये जो साइज वाला ऑप्शन है इसे इस प्रकार से आप फोटो के अनुसार इसे आपको छोटा कर देना है, कुछ इस प्रकार से। छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, इसे यहाँ से पूरा छोटा करके एंटर प्रेस करना है, और ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका ये ज्वाइंट फोटो का साइज बना के आपको दे देगा। तो ये जो एक्शंस फाइल है इसको कैसे लोड करना है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ से एक्शन को डिलीट कर देता हूँ, ये हमारा ज्वाइंट पासपोर्ट साइज वाला एक्शन है, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको फाइल देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको फाइल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे साइज पासपोर्ट ज्वाइंट फोटो, इसको सिंपल इस प्रकार से उठा करके अपने फोटोशॉप में रख देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये फाइल आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे एरो की पे क्लिक करना है और बटन मोड पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका ये एक्शन बटन आ जाए। तो उसके बाद आने के बाद जैसे हमने आपको यूज करने के लिए बताया ज्वाइंट फोटो, वो आप एक सेकंड में ज्वाइंट फोटो बना करके आप अपने कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।